खबर बल्देवगढ़ से है, जहां पत्रकार सालिम खान के खिलाफ थाना प्रभारी अमित साहू ने मामला दर्ज किया है, जिसका विरोध कर पत्रकारों ने मामले की जांच करने की मांग की है। आपको बता दें, सालिम टीकमगढ़ से बल्देवगढ़ जा रहा था, वहीं रास्ते में भूसा से भरी पिकअप का कवरेज करने पर सालिम के साथ धक्का मुक्की की गई थी, जिससे सालिम खान के सीने में चोट आई थी। सर, 7 और 8 की दरमियानी रात मैं टीकमगढ़ से अपने घर को जा रहा था। रास्ते में मुझे भूसे से भरा हुआ एक वाहन खड़ा मिला। मैंने उसकी वीडियो बनाने की कोशिश की और मैंने थाने में सूचना भी दी साथ में कि यहाँ पे एक वाहन खड़ा हुआ है। और मैंने उसकी फ़ोटो खींचते ही समय में मेरी उससे मतलब जो साथ में 4-6 लोग थे, क्योंकि मैं अकेला था, तो उन्होंने मेरे साथ सीधा झपटी मतलब करने लगे और उनसे एक यहाँ पे मेरे से मतलब कल मारा था, जिससे मुझे चोट भी आई है। और उसके बाद उन लोगों ने फिर जब मैंने कहा कि मैं पत्रकार हूँ और तुम्हारे खिलाफ FIR करूँगा, तो वो मेरे हाथ पैर जोड़ने लगे और बोलने लगे कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, हम नहीं पहचान पाई ये वो, और हम कुछ मत करना, हम कुछ नहीं करेंगे ये वो। तो हमने कहा ठीक है भैया, आप जब ऐसी बात कह रहे हो तो हम निकल आए। हम भी अकेले थे और 4-5 लोग थे, अगर कुछ और भी करते तो डर के मारे। हमने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, चलो आप लोग, हम घर निकल आए। घर आके हम अपने घर पहुँचे, हमें अचानक से सीने में दर्द होने लगा और मेरा फ़ोन डिस्चार्ज था, क्योंकि दिन भर से मैं कवरेज कर रहा था तो मेरी बैटरी ख़त्म हो चुकी। तो बस मैं सो गया। कुछ देर बाद जैसे मेरा रात को 2 बजे के दरमियान फ़ोन आया कि 12 बजे घर पर पुलिस आई है और एक पुलिस वाले हैं उसमें और बाकी 4 लोग अन्य हैं जो लट लिए हुए थे और मेरे फार्म हाउस पे गए जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होती है और वहाँ जाके गाड़ी की फ़ोटो खींचने लगे। गाड़ी की फ़ोटो खींची और वहाँ पे बोला कि 10,000 रुपये की मांग की है इनसे और पत्रकार कहाँ हैं, वो उनको बुलाओ, उनको सालिम को, और हम उनको कार्रवाई होनी है जी। वो तो वहाँ मैं था नहीं, मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पता, मैं तो घर पर रहता हूँ, वो फार्म हाउस है, वहाँ मम्मी पापा रहते हैं। तो वहाँ पर ये लोग गए और ऐसी बातें की और रात में फिर जब मेरा फ़ोन चालू हुआ, फ़ोन आया, मैंने थाने भी फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि यार तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था, तो हम लोग गए वहाँ पे, ये सब चीज़ें हो गई। और फिर मैं सुबह गया, घटना की जानकारी बताई मैंने, तो उन्होंने बताया कि तुम आप कुछ मत करो, तुम्हारे ऊपर FIR हो चुकी है। ये किसने कहा आपसे? स्टाफ ने ही कहा वहाँ से। और उन्होंने मुझे FIR भी मतलब बताया कि भाई FIR हो चुकी है, तुम 3 धाराओं में मामला दर्ज हो चुका है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो जितनी जल्दी हो निकल लो यहाँ से, अब तुम अपना पक्ष रखने लायक नहीं रह गए, आरोपी हो। ठीक है, हमने कहा ठीक है आरोपी हैं, तो हम सीधा यहाँ साहब के पास आए और पूरा दुख सुनाया। और मैं मुझे उन्होंने फर्जी पत्रकार भी कही, किसी कई पत्रकारों ने मुझे फर्जी पत्रकार बताया है। तो मैं 2018 से पत्रकारिता कर रहा हूँ, पुलिस वाला राष्ट्रीय समाचार पत्र का, पुलिस वाला वेब न्यूज, खबर फास्ट, नेशनल TV, इन सभी चैनलों में मैं काम करता हूँ। और पुलिस के मतलब पुलिस वाला चैनल में पुलिस वाला काम करने के बाद मुझे बहुत घृणा हो रही है कि मतलब मेरे साथ पुलिस ने ही ऐसा किया। 7-8 दिसंबर की दरमियानी रात की घटना है। हमारा पत्रकार साथी सालिम खान बल्लीगढ़ का, टीकमगढ़ से बल्लीगढ़ जा रहा था। रास्ते में हार पुलिया के पास उसको एक पिकअप दिखी जिसमें भूसा भरा हुआ था, तो वो वहाँ कवरेज के लिए रुका और उसकी फोटो खींचने लगा। फोटो खींचते देख करके उसमें पिकअप में जो सवार थे सीनी वक्त, वो नीचे उतरे, उसके साथ धक्का मुक्की की, उसके सीने में चोट भी आई है और वहाँ से भाग गए। ये जब सुबह वहाँ पहुँचा है थाने में, तो इसको पता चलता है कि इसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है रात में। तो जो है जो थाना प्रभारी बलदेवगढ़ हैं, उन्होंने ये जल्दबाजी में अचानक एक पत्रकार साथी के ऊपर प्रकरण कायम किया है, इसका हम विरोध करते हैं। और इस मामले की जांच करने के लिए हमने यहाँ पुलिस अधीक्षक जी के नाम ज्ञापन दिया है, श्री सत्या जी को। और हमारा कहना है कि ये जो प्रकरण दर्ज किया गया है ये झूठा है, इस प्रकरण पर समाप्ति लगाई जाए, इस प्रकरण को खत्म किया जाए, पिकअप वाहन चालक के विरुद्ध मामला कायम, मारपीट का किया जाए, और इसके साथ ही जो थाना प्रभारी बलदेवगढ़ अमित साहू जी हैं, इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। हमने